देखिए, भारत में जब तक नीर, नारी और नदी का सम्मान था, तब तक भारत दुनिया का गुरु था। और दुनिया में इसने अपनी पर्यावरणीय प्रकृति की जो प्यार है पंच महाभूतों का, उस प्यार के और सम्मान के कारण पूरी दुनिया को सिखाने के लायक ये देश बना था। लेकिन आज हम जब भौतिक विकास के लालच में केवल दूसरों की नकल करने लगे हैं, तो हमारे पानी के सवाल और हमारे पर्यावरण के सवाल और हमारे प्रकृति के सवाल हमारी आंखों के सामने खड़े होते जा रहे हैं और हमारी धरती और प्रकृति विकृत होती जा रही है। तो ये बिगड़ता हुआ धरती और प्रकृति का प्यार और स्वरूप, वो हमारी 21वीं शताब्दी के विकास का संकट है। और ये विकास नहीं है, विनाश है। जब मैं ये कहता हूँ कि ये विकास नहीं विनाश है, तो मेरे प्रमाणिक प्रमाण ये हैं कि जब मुझे आज़ादी मिली, तब मैं भारतीय, ये भारत देश जितनी ज़मीन पर अकाल पड़ता था, उससे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन पर अब अकाल पड़ने लगा है। अब लोग बेपानी होकर तरसने लगे हैं, और जितनी ज़मीन पर उस ज़माने में बाढ़ आती थी, उससे 8 गुना ज़्यादा ज़मीन पर आज बाढ़ आती है। तो ये जो विकास का विनाश है, इस विकास के विनाश के कारण हम बेराहा और गुमनाम रास्तों में घूम रहे हैं, विकास का ढोल पीटते हुए और ये कहते हुए कि हमने जीडीपी बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें बजाय ये दिखावटी विकास के ढोल पीटने के, अपनी धरती से सीखना चाहिए, अपने लोगों से सीखना चाहिए। यदि हम अपनी धरती और अपने लोगों से सीखेंगे, तो फिर दोबारा से वो दिन आ सकते हैं जब दुनिया हमसे सीखने के लायक बनेगी। आज दुनिया को हम सिखाने के लायक नहीं है, आज हम कुछ सिखाने के लायक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो मूल तत्व है, अभी भी हमारे अंदर वो मूल बीज बचा हुआ है। लेकिन वो मूल बीज हमारे विकास लालची, विकास ग्रीडी डेवलपमेंट ने हमसे छीन लिया है। लेकिन सर, तर्क और आड़ तो हर बार ये ली जाती है कि विकास होगा विनाश तो साथ में चलेंगे। जब हम विकास के साथ विनाश की तर्क देते हैं, तो हमारे मन में एक बायस बैठा हुआ होता है कि कुछ लोगों का विकास करना है और ज़्यादातर लोगों का विनाश करना है। तो ये जो विकास और विनाश का जो खेल है, जो इक्वेशन है, जो गणित है, वो अन्यायी है, वो अन्यायपूर्ण है। विकास वो होता है जो सबका एक साथ होता हो। मैं आज तुम्हारे सामने बैठ के ये कह सकता हूँ कि हमने जो 11,800 छोटे बड़े बांध जोहड़ बनाए, उसमें एक भी आदमी विस्थापित नहीं हुआ, एक भी पेड़ नहीं कटा, एक भी जगह हमने किसी गांव को उजाड़ा नहीं, लेकिन हमने इतना बड़ा पानी का संरक्षण किया कि दुनिया में उसके मुकाबले का कोई बांध नहीं है, कोई जोहड़ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है दुनिया में। जितना पानी हमने 11,800 स्ट्रक्चर में रोका, उतना पानी कोई एक बांध रोक लाओ, और एक बांध कितने हजारों सैकड़ों गांवों को उजाड़ देता है। तो जब आपका मॉडल वो हो जाता है विकास का, विस्थापन, विकृति और विनाश, तब हम उस विकास के मॉडल में उस तरफ जाते हैं। और जब हम संरक्षण और संवर्धन के रास्ते से विकास करते हैं, तो सनातन विकास होता है, स्थायी विकास होता है। तो आज हम अपने सनातन स्थायी विकास के रास्ते को भूलकर दूसरों के विकृतिपूर्ण, विस्थापनपूर्ण विकास के रास्ते पर हैं, इसलिए हम विकास की, विनाश की तरफ जा रहे हैं। सर, गंगा बचनी चाहिए, बाकी नदियां? गंगा तब बचेगी जब पहले बाकी सारी नदियां बचेंगी। गंगा जब तक नहीं बच सकती, जब तक उसकी हजारों नदियों से जिनसे वो बनी है, वो पुनर्जीवित होकर ठीक नहीं होंगी। यदि हम गंगा को बचाना चाहते हैं, तो गंगा को बनाने वाली नदियों को पहले बचाना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा, उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तब गंगा पुनर्जीवित होंगी। नहीं तो गंगा का आप नाटक करते रहेंगे, ढोल पीटते रहेंगे, गंगा और बिगड़ती जाएगी, गंगा और विकृत होती जाएगी, और गंगा एक दिन वो आएगा कि मर जाएगी। गंगा आज आईसीयू में भर्ती है, अभी भी उसका इलाज कर सकते हैं। अभी भी यदि हम गंगा के असली बेटे हैं, तो हम असली बेटे वो हैं कि हम अपनी माँ का ठीक से इलाज करने वाला लालची डॉक्टर ना ढूंढे। आजकल गंगा का नाम इलाज करने वाले लालची डॉक्टर ढूंढे जा रहे हैं, इसलिए वो बिना बीमारी को समझे गंगा को इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहे हैं, और गंगा और बीमार हो रही है, और गंगा और बीमार हो रही है। दोस्तों, यदि गंगा का इलाज करना है, तो
तो गंगा की बीमारी को समझकर बिना दवाई दिए उसको ठीक करना होगा, और गंगा बिना दवाई के ठीक होगी, वो मेडिसिन से, इंजेक्शन से, टैबलेट से ठीक नहीं होगी। अंतिम सवाल, मरु गंगा भी हाल खराब है लूणी नदी। मैं जानता हूँ, मैं तो आज उसी के लिए तुमसे मिलने के लिए रुका था कि लूणी नदी पर मैं पिछले 12 सालों से बराबर बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं लूणी की बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। कारण क्या सर? कारण ये लेते नहीं। कारण ये है कि एक तो जितना लूणी के लिए समर्पण भाव से आके यहाँ डेरा डाल के बैठ जाना, और फिर अपने तुम्हारे जैसे दोस्तों को, नौजवानों को लड़ने के लिए तैयार करना, वो सब मैंने किया नहीं। मैं अपने दूसरे कामों में, देश भर के दूसरे कामों में लगा रहा, और दूसरे लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। जो मुझसे काम लेना जानते थे उन्होंने काम ले लिया, बाड़मेर के लोगों ने मुझे पकड़ा नहीं, मुझसे काम नहीं लिया, यदि वो काम नहीं लेंगे तो मैं नहीं करूँगा। वाटरमैन अकेला नहीं रह सकता, वाटरमैन तो हजारों होने चाहिए, तब भारत की नदियाँ अविरल निर्मल होके बचेंगी। और मैं बहुत सारे राजेंद्र बनाने की मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे राजेंद्र बन नहीं रहे, इसका मुझे बहुत दुख है। और सबसे बड़ा यदि मेरे जीवन में मलाल है तो वो यही है कि राजेंद्र अभी भी अकेला घूम रहा है, उसके लिए उसके जैसे मरने वाले, बिना डरे लड़ने वाले, बिना डरे बोलने वाले बहुत सारे राजेंद्र नहीं बन रहे हैं, यही राजेंद्र की सबसे बड़ी चिंता है।